नाव की टीवी स्क्रीन पर कपूर नरवाल ने अपना नामांकन वापस लिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मैं अपने आप को हुड्डा को समर्पित करता हूं, राजनीति में कोई भूल चूक हो जाए तो माफ करना। इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी खबर, बड़ौदा हल्के के लिए दिन रात एक कर सकता हूं, कपूर नरवाल ने ये बात कही। लेकिन अब आज की परिस्थिति में कपूर नरवाल ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। पहले महापंचायत हुई क्योंकि कांग्रेस की ओर से ये बात कही जा रही थी कि कपूर नरवाल को टिकट मिल सकता है, लेकिन लास्ट मूवमेंट में जिस तरीके से इंदुराज नरवाल को टिकट दिया गया, सबको चौंका दिया गया, उसके बाद आमने सामने यहाँ पर एक तरीके से हो गए। नरवाल वोट बैंक बटने की बात कही जाने लगी, कपूर नरवाल भी सामने आ गए थे, लेकिन यहाँ पर बातचीत करने के लिए पहुंचे सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, साथ ही साथ दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी रही, वहाँ पर जगवीर मलिक मौजूद रहे, बातचीत हुई और अब कपूर नरवाल ने नामांकन वापस ले लिया है। और एक बार फिर से उन्होंने ये बात कही है कि मैं अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करता हूँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ौदा हल्के से पूछकर नामांकन वापस लेने का फैसला लिया है, ये बात उनके द्वारा कही गई। हालांकि इंडिया न्यूज हरियाणा आपको बता रहा था जब वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा गए थे तब भी, क्योंकि हमारे सूत्र ये बता रहे थे कि यहाँ पर मना लिया गया है, और अब ये खबर पुख्ता तौर पर सामने आ चुकी है कि वो अपना नामांकन उन्होंने वापस लिया। राजनीति में कोई भूल चूक हो जाए तो माफ करना, बड़ौदा हल्के के लिए दिन रात एक कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल की स्थिति में कपूर नरवाल ने नामांकन वापस ले लिया है। ये आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि कपूर नरवाल को एक मजबूत कैंडिडेट माना जा रहा था और मैदान में वो बतौर निर्दलीय प्रत्याशी उतरे थे कपूर नरवाल, और उसके बाद मुकाबला बेहद दिलचस्प क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पर उन्हें देखा जा रहा था, और इसके बाद से ये भी बात कही जा रही थी कि जो नरवाल वोट बैंक होगा वो इससे बढ़ जाएगा, क्योंकि एक तरफ तो कपूर नरवाल जो कि निर्दलीय चुनावी मैदान में थे, तो वहीं दूसरी ओर इंदुराज नरवाल जिसे कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा था अपनी टिकट पर, तो ऐसे में नरवाल वोट बैंक बढ़ जाता, ये बात कही जा रही थी। समझाने की कोशिश हुई, महापंचायत भी हुई जिसमें सहमति नहीं बनी, उसके बाद ये बात पुख्ता तौर पर सामने हो चुकी थी कि दोनों लड़ेंगे, दोनों उतरेंगे, नरवाल वोट बैंक जो है वो बटेगा उसके बाद। लेकिन तमाम चीज़ों पर मंथन के बाद जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा यहाँ पर पहुँचते हैं, उनके साथ दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा सांसद पहुँचते हैं, जगवीर मलिक वहाँ पर पहुँचते हैं, उसके बाद बातचीत होती है और उसके बाद कपूर नरवाल मान जाते हैं। बलराम शर्मा हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ इस बीच मौजूद हैं। बलराम, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, कपूर नरवाल ने नामांकन वापस लिया है। बताना चाहूंगा, काफी दिन से कवायद लग रही थी कि कपूर नरवाल नामांकन वापस लेंगे कि नहीं लेंगे, और जो दो कपूर उठे हुए थे उनमें घमासान रहेगा, लेकिन वहीं पर पूर्ण विराम लग चुका है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर पहुंचे हैं, गोहाना के विधायक भी यहाँ पर पहुंचे थे, और पूरी मीटिंग होकर यहाँ पर फैसला लिया गया कि बड़ौदा हल्का की जनता से बात करके नामांकन वापस लेने की यहाँ पर बात कही गई है, वो नामांकन वापस लिया जाएगा। और इसी के साथ अब भाजपा के लिए दिक्कत बढ़ने की बात यहाँ पर सामने आ रही है कि जाति विशेष समुदाय के वोट ज्यादा होने के चलते अब कहीं ना कहीं जो वोट बटनी थी वो नहीं बटेंगी, और बीजेपी को यहाँ पर काफी बड़ा नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। जी बिल्कुल, तो जिस तरीके से मेरे सहयोगी इस बात का जिक्र करे कि देखिए पहले तो ये बात कही जा रही थी कि नरवाल वोट बैंक बढ़ जाएगा, बीजेपी को इससे फायदा होता, लेकिन अब क्योंकि वोट बैंक नहीं बटेगा, दोनों में से एक कैंडिडेट पीछे हट चुका है कपूर नरवाल, तो इस वजह से चुनौतियां बढ़ सकती है आने वाले दिनों में। यहाँ पर बलराम ये बताइए कि यहाँ पर नरवाल ने एक बड़ी बात ये कही है कि मैं हुड्डा को पूरी तरीके से समर्पित हूँ, इसके मायने क्या कुछ है? क्या अब ये समझा जाए कि जो समर्थन पहले कपूर नरवाल को था, जो उनके पास थे, अब वो भी ट्रांसफर हो जाएंगे कांग्रेस प्रत्याशी में? बताना चाहूंगा, अब जिस प्रकार से उन्होंने अपने आप को समर्पित बताया हुड्डा का, तो इससे जाहिर हो चुका है अब कांग्रेस के समर्थन में वोट मांगने का काम किया जाएगा। जो दूसरे इंदुराज नरवाल से कांग्रेस प्रत्याशी है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वोट मांगने का काम किया जाएगा। कहीं ना कहीं अब राजनीति पर भी सवाल या निशान उठ चढ़े हैं। दो बार पहले कपूर नरवाल ने इलेक्शन लड़ा था जिनमें हार का सामना करना पड़ा था, और तीसरी बार जब आम बड़ौदा हल्का की जनता और समर्थकों से ऐलान करके बात करके एक पंचायत करके फैसला लिया गया था चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब चुनाव में नामांकन वापिस लेने की बात कही गई है, नामांकन वापिस ले जा रहा है। कुछ कार्यकर्ताओं में उनके कार्यकर्ता हैं जो पर्सनल कह सकते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं रोष है
भाई बार बार पार्टी बदली जा रही है, बार बार समर्थन दिया जा रहा है, लिया जा रहा है, इस तरह से कवायद लगातार बनी हुई है, विरोध यहाँ पर देखा भी जा रहा है जी। तो कुछ समर्थक जो हैं वहाँ पर कपूर नरवाल के वजह से नाराज भी बताए जा रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि बार बार फैसले लेकर उसे बदला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बलराम आप मुझे ये बताइए, क्योंकि इससे पहले जब दोनों आमने सामने हुए थे, दोनों ने नॉमिनेशन फाइल किया था, एक कोशिश की गई, समझाने की कोशिश हुई थी, वहाँ पर पंचायत भी हुई थी, लेकिन उसमें सहमति नहीं बनी। भूपेंद्र हुड्डा यहाँ पर पहुँचते हैं, बातचीत होती है उनके साथ, दीपेंद्र की मौजूदगी रहती है, क्या कुछ ये बातचीत रही, किस तरीके से सहमति बनी? बताना चाहूंगा जो अंदरूनी मामला है, किस मुद्दे को लेकर सहमति बनी है अभी वो चर्चा का विषय है, और अभी तक उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है किन बातों पे, लेकिन उन्होंने अपने आप को उन हुड्डा को समर्पित बताया है जिसको लेकर ये चीजें हुई है। और जो पंचायत में कथुरा पंचायत गई थी, कथुरा पंचायत में डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल का एक बयान भी आया था मीडिया के सामने, उन्होंने कहा था कि हुड्डा ने तो उनकी पैरवी की थी, लेकिन शैलजा और किरण चौधरी की तरफ से वहां से उनकी टिकट कटी है, कहीं ना कहीं बातें हैं और ये सामने आई है, तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, कहां जाके यहां ये दोबारा से उनके साथ दोबारा समर्थन में आए हैं और समर्पित हुए हैं और नामांकन वापस लिया जा रहा है जी। बिल्कुल, तो हुड्डा ने तो नाम आगे किया था लेकिन सर्वसम्मति नहीं बन पाई, इस वजह से कपूर नरवाल को टिकट नहीं मिल पाया और इसी वजह से नाराज होकर वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे थे। लेकिन अब बातचीत तो हुई है और बातचीत के बाद अब जो आसार व्यक्त किए जा रहे बलराम, कि जो गिले शिकवे थे वो दूर हो गए, उसे दूर कर लिया गया है। बलराम, नामांकन वापस लेने के बाद से ही इंदुराज नरवाल के समर्थन में वोट मांगने का काम किया जाएगा और कहीं ना कहीं उन्हें जो आश्वासन दिया गया है वो भी उभर के आएगा, आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा क्या उनको आश्वस्त किया गया है, क्या उनकी शर्तें रही होंगी, क्या उनकी मांगे रही होंगी। हाँ। इन बातों पर अभी पर्दा उठना बाकी है जी। जी, अपने आप में देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि किन शर्तों पर ये बात बनी है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बलराम आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर बड़ौदा उपचुनाव से रिलेटेड, बड़ौदा उपचुनाव से जुड़ी हुई, कि कपूर नरवाल ने नामांकन वापस ले लिया है और अपने आप को पूरी तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को समर्पित करता हूँ, ये बात उन्होंने कही है। राजनीति में कोई भूल चूक हो जाए तो माफ करना, बड़ौदा हल्के के लिए दिन रात एक कर सकता हूं। जाहिर तौर पर यह राहत की खबर है कांग्रेस खेमे के लिए, क्योंकि इंदुराज नरवाल को वहां से चुनावी मैदान में उतारा गया है और यह बात कही जा रही थी कि वोट बैंक बढ़ जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं फायदा हो जाएगा बाकी कैंडिडेट्स को जो कि चुनावी मैदान में है। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज को यहाँ पर दूर कर लिया गया, लेकिन शर्तें क्या कुछ रही, क्या कुछ आश्वासन दिया गया है, वो आप भविष्य के गर्भ में है, आने वाले चीजों दिनों में वो कहीं कहीं ना कहीं तमाम जो चीजें वो स्पष्ट होंगी। लेकिन फिलहाल के लिए बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर कि निर्दलीय कैंडिडेट कपूर नरवाल ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया।